वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सा संगत जी, आओ ईएसटीवी दे माध्यम नाल अपने मन नू परमात्मा दे चरणा नाल जोड़ने हां। अहंकार मनुखा जीवन दा अंत करदा है। सानू कदी भी अहंकार नहीं करना चाहिदा, बल्कि अपने मन विच सेवा भाव दी भावना रखनी चाहिदी है। गुरु प्यारी सा संगत जी, जेकर मन विच अहंकार आ जाए ता फिर मनुख कुछ भी नहीं समझ पांदा। ओदा मन काम करना बंद कर देंदा है, ओदा दिमाग काम करना बंद कर देंदा है, भाव ओदा दिमाग ए समझ नहीं पांदा कि सही है कि गलत है, और मन रिश्तियां दा भेद भाव करना बंद कर देंदा है, रिश्तियां नू समझना बंद कर देंदा है। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, कदी भी मन विच अहंकार नू ना आन दो। जेकर एक बार भी अहंकार आ गया फिर मनुखा जीवन दा अंत निश्चित है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जदो अपा किसी दी मदद करदे हां ता रब साडी मदद करदा है। इसलिए सानू हमेशा दूजिया दी मदद करन लई तैयार रहना चाहिदा है, कदी भी पिछे नहीं हटना चाहिदा। जो मनुख सच्चा हुंदा है, जिदा मन सच्चा हुंदा है, परमात्मा ओदा साथ जरूर दिंदा है। इसलिए परमात्मा ते विश्वास बनाए रखो, परमात्मा नू मन विच वसाई रखो। वेखना परमात्मा तुहाडे अंग संग सहाई होएगा। जेकर आपा अपने मन विच परमात्मा दा नाम वसा लिया फिर सानू कोई भी दुख मोह नहीं सकदा। इसलिए अहंकार नू मन विच नहीं वसन देना, सिर्फ और सिर्फ नाम सिमरन नू ही मन विच वसाना है, परमात्मा दा नाम मन विच वसाना है, ताही अपा सारे सुख पा सकदे हां। इन्हीं शब्दा दे नाल गुरु प्यारी साध संगत जी, मैनू दो इजाजत, फिर रूबरू होवांगी यश टीवी ते। सत श्री अकाल।